हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विज्ञान का कार्य पत्र 97 करेंगे, कार्य तथा ऊर्जा। तो बच्चों, आप सभी की 97 वर्कशीट आ चुकी है, पर अब तक कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल से वर्कशीट तो कर लेते हैं पर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो ये गलत है। हमने आपकी इतनी हेल्प की तो आपको भी हमारे लिए इतना सा करना चाहिए, आपको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। सो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो ये वर्कशीट शुरू होती है, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के भाग और ज्वार भाटा, इन सभी से जो है क्या खाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब यदि किसी वस्तु में कार्य की क्षमता है तो उसे कहा जाता है ऊर्जा। जो वस्तु कार्य करती है वो अपनी ऊर्जा दूसरी चीज में, जिसमें ऊर्जा लगाती है, उसमें ले जाती है। ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है वह कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता से मापा जाता है। अब इसके लिए ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या फिर एनएम। एक जूल का मतलब होता है एक जूल कार्य करने की आवश्यक ऊर्जा का मात्र एक जूल होता है। तो एक जूल में एक और बड़ी मात्रा होती है किलो जूल। तो 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। जैसे 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इस तरह से 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। अब ऊर्जा के कुछ रूप होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा का योग मिला के होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊर्जा को परिभाषित करना है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा का मात्रक है जूल। ऊर्जा के विभिन्न रूप लिखिए। सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब 20.5 किलो जूल को जूल में बताना है। तो 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो 20.5 किलो जूल में 20.5 × 1000 जूल यानी 20,500 जूल होंगे। सो आइए अब चौथा, सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा को ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सौर्य में मौजूद और अक्षय ऊर्जाओं में से एक है। पांचवा, उष्म ऊर्जा एक अनुप्रयोग लिखिए। सूर्य हमारे सौर मंडल में उष्म ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होती है। बच्चों, ये उष्म विकिरण करता है जो विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। आप इस तरह से पांचों क्वेश्चन करके वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।